नमस्कार, मैं छवि वर्मा, आप देख रहे हैं पी न्यूज एक्सप्रेस। जनता जागरण में महिला ने सिपाही पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। शादी का झांसा देकर सिपाही महिला का उत्पीड़न करता रहा। महिला ने एसपी से की मामले की शिकायत। नदी गांव थाने में तैनात है आरोपी सिपाही। एसपी ने मामले की जांच के दिए सख्त आदेश। बिहार के कैमूर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर मोहनिया स्थित बाजार समिति में वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र के लिए भवन चिन्हित करते हुए उसका निरीक्षण किया गया, जिसमें ईवीएम कनेक्शन सेंटर, वज्रगृह, विधानसभा वार मतगणना भवन, नियंत्रण कक्ष, प्रशासनिक भवन, वाहन पार्किंग स्थल आदि का जायजा लिया गया और इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फिरोजाबाद में 22 माह की बच्ची की हुई संदिग्ध मौत। थाना रसूलपुर क्षेत्र ताड़ो वाली बगिया कब्रिस्तान के पास की एक घटना है। रात 8:20 पर घर के आसपास खेलते खेलते बच्ची गुम हो गई थी। बच्ची मृत अवस्था में उसके परिजनों को मिली, जिस पर परिजनों में थाना रसूलपुर में तहरीर देते हुए साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया गया। फिरोजाबाद में रामकृष्ण नगर गली नंबर 5 जलेसर रोड मंगलम धनकाटा के पास पानी की पाइपलाइन टूटने से बहता रहा पानी। पानी आने से जाने के समय तक लोगों के घरों में नहीं पहुंचा पानी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम के कोई अधिकारी भी नगर का दौरा करने नहीं पहुंचा और पानी लगातार यूं ही बहता रहा। उन्नाव में योगी सेना के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने पत्रकारों के ऊपर हो रही घटनाओं व पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों पर हो रहे हमलों व उनके साथ हो रही अभद्रता को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाने को लेकर घोर निंदा की है। विधानसभा चुनाव में लहराएगा प्रसपा का परचम। विधायक प्रत्याशी गिरीश कठेरिया का हुआ स्वागत। सोमवार को जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के क्षेत्र व नगर में कई कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों में पार्टी के विधायक पद के घोषित प्रत्याशी गिरीश कठेरिया का जोरदार स्वागत किया गया। मिर्जापुर में मझुआ ब्लॉक अंतर्गत नगर पंचायत कछवा में हनुमान मंदिर के पास धर्मशाला के सभागार से 24 अगस्त को कांग्रेस जनों ने एक बैठक आहूत की। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटेल व पूर्व विधायक भगवती चौधरी उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान नगर में कांग्रेस को मजबूत करना व नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा की गई। भदोही जनपद में सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंची मंडल आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला का कलेक्ट्रेट पर स्वागत कर जनरल सैल्यूट दिया गया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की हिदायत भी दी। रायबरेली के तहसील लालगंज के अंतर्गत सुबह सिलेंडर से आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया गया। वहीं उस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार का छप्पर और खाने पीने का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में सोमवार देर शाम एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसे में कुल 70-80 लोग मलबे के अंदर दबे हुए थे। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ताजा जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। हालांकि 18 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। जनपद मंत्री के अलावा थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुई हत्या की घटना का क्षेत्र अधिकारी नगर ने किया बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की हत्या। अलाव पुलिस टीम ने इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद हरदोई के सबासपुर में समाज सेवी ने दिया उपजिलाधिकारी को ज्ञापन। सबासपुर विधानसभा के ग्राम सिमरिया की कुछ समस्याओं को लेकर अपर जिलाधिकारी महोदय व डीपीआरओ को शिकायती पत्र दिया गया। जनपद मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारा चाकू। घटना को अंजाम देकर दबंग हुए मौके से फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक ने सैफ पर जाते समय तोड़ा दम। पुलिस दबंग आरोपियों की तलाश में जुटी। थाना खरेल क्षेत्र के गड़िया चौराहे की ये घटना है। फिरोजाबाद में सरकार के बंद के आदेश के बाद भी चल रहा है कोचिंग सेंटर। चंद रुपयों की खातिर मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। प्राइवेट शिक्षक अधिकारियों के आदेश की उड़ा रहे हैं धज्जियां। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर के कोविड सहायता केंद्र में भर्ती वृद्ध की मौत। परिजनों का आरोप ऑक्सीजन गैस सिलेंडर न मिलने से तोड़ा दम। मौके पर पहुंचे प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में गोली मारकर की पत्रकार की हत्या, जिससे पत्रकारों में मचा हड़कंप। बलिया जनपद के पेपना थाना क्षेत्र के पेपना निवासी सहारा समय चैनल के पत्रकार रतन कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही फेफना पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ देर बाद ही एसपी एसएसपी सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गोरखपुर में पेड़ काटने के विवाद में मां बेटी की हत्या, आज गिरफ्तार। एक भाई के पक्ष के लोगों ने दूसरे भाई की पत्नी और युवा बेटे को मार डाला। दोनों पक्षों ने दी पुलिस को तहरीर। आरोपित का पूरा परिवार पुलिस हिरासत में।